युगों युगों से चल रहा है मेघ, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिताश्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 15 फरवरी 2020 दिन शनिवार, फागुन मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज सप्तमी तिथि शाम 4:29 तक रहेगी और उसके पश्चात अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 12:10 से लेकर 12:57 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 9:38 से लेकर 11:06 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। खर्चा बढ़ने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। वर्क प्लेस पर आज हालात कुशल मंगल रहेंगे और आपको प्रमोशन के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बॉस से भी आपको प्रशंसा मिलेगी। आज छात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक अशांति के कारण आज उनको परिश्रम का फल नहीं मिल सकेगा। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करके गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी से या मुझसे वीडियो कंसल्टेशन या फोन कॉल कंसल्टेशन के माध्यम से अपनी समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। मेरा छात्रों को आज सुझाव है कि आत्मविश्वास ना खोए और आज मनोरंजन के लिए खेलकूद में भाग लें, पार्क इत्यादि का भ्रमण करें, जिससे आप तरोताजा महसूस करेंगे। मेडिटेशन करने से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर में भी वृद्धि होगी। घर या वाहन खरीदने के लिए आज का दिन शुभ है। कुंभ राशि वालों, अगर आप अपने गृहस्थ जीवन में हो रहे लड़ाई झगड़ों से परेशान हो चुके हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय, जिसे करके कोई भी राशि का जातक आज बड़ी सरलता से अपने भाग्य को पलट सकता है और सौभाग्यशाली बन सकता है। आज
आप प्रातः काल उठकर नहा धो लें और फ्रेश हो जाएं। उसके बाद आप मार्केट से 5.25 किलो आटा और 1.25 किलो गुड़ लेकर आए। इन दोनों को आप मिला लें और उसके पश्चात इनकी रोटियां बनाएं। उसके बाद शाम के समय गायों को ये रोटियां खिलाएं। आपको ये कार्य लगातार 7 गुरुवार तक करना है। यदि आप श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य चमक उठेगा और आप अपने जीवन में मनचाही सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आप गुरुजी के पास आई, क्या प्रॉब्लम था आपका? एक्चुअली मेरा बेटा जो था नशे की गिरफ्त में था और नशे बहुत कर रहा था फ्रेंड्स के साथ और रात को भी लेट नाइट आना, परेशान करना, तो इन सब की वजह से मैं आई। कब से परेशान किया? मैं परेशान थी 4-5 साल से। मुझे कुछ उपाय बताए थे और साथ में मेरे को इन्होंने रिंग पहनने के लिए बताई थी बच्चे के लिए, तो वो मैंने फिर डलवाई थी। तो आप रिंग पहने कितना समय हो गया उसे? रिंग पहना था न्यू ईयर को 1 जनवरी को और तब से उसने एक बार भी ड्रिंक नहीं की है और अपना फ्रेंड्स वगैरह का साथ छोड़ दिया। आपको उससे इतनी देर में फायदा हो गया? हाँ जी, आज 1 है तो 1 महीने में मतलब बिल्कुल मुझे उसने कभी टच ही नहीं किया उसको। आप और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी गुरु जी गुरु माँ के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, आकर एक बार जरूर मिले और जो वो उपाय बताएं करें, निश्चित ही फायदा होगा उससे। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।